ओम शांति। आज की तारीख है 4/2/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना है और सबसे बुद्धि की प्रीत निकाल माम एकम याद करो यही मंजिल है। प्रश्न है तुम बच्चे इस समय कौन सा अच्छा कर्म करते हो जिसके रिटर्न में शाहूकार बन जाते हो। उत्तर है सबसे अच्छे ते अच्छा कर्म है ज्ञान रत्नों का दान करना। ये अविनाशी ज्ञान खजाना है और हम ट्रांसफर हो 21 जन्मों के लिए विनाशी धन कमाई करते हैं। हमारा धन विनाशी से अविनाशी बन जाता है, इससे ही हम माला माल बन जाते। जो जितना ज्ञान रत्नों की धारणा कर दूसरों को धारणा कराते हैं उतना ही वे शाहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना यही है सर्वोत्तम सेवा। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, श्वासों श्वास बाप को याद करना है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं करना है जो विकर्म बन जाए। नंबर 2 है उस्ताद के हाथ में हाथ दे संपूर्ण पावन बनना है। कभी क्रोध के वशीभूत होकर माया से हार नहीं खानी है, पहलवान बनना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं इस ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने से पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय करो कि ये व्यर्थ है या समर्थ है और फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद फिर से चेक करो कि कर्म का आदि मध्य और अंत तीनों काल समर्थ रहे। ये समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इनकी विशेषता ही निर्णय शक्ति है। निर्णय शक्ति के द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।